आप एक क्रिएटर हो या फिर आपको वीडियोस वगैरह शूट करना एडिट करना पसंद है तो आप काफ़ी सारे अच्छे शॉट भी ले लेते हो अपने फ़ोन के कैमरे से या फिर अपने किसी कैमरा से, तो वो शॉट फिर भी आपको देखने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते क्योंकि उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो एक तो नेचुरल देखने नहीं मिलते एंड आप जैसे बनाना चाहते हो उस वीडियो को वैसा आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं होता है कलर ग्रेड करने के लिए। तो तीन एप्लीकेशन बताने वालों मैं इस वीडियो के अंदर जिनसे आप अच्छी खासी कलर ग्रेडिंग कर पाओगे एंड तीनों काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे आप एकदम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लेवल की एडिटिंग कर पाओगे, बट हाँ आप मीडियम लेवल की अच्छी खासी एडिटिंग कर पाओगे जिससे आप अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है 3D LUTs। इस एप्लीकेशन के आपको अंदर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट देखने के लिए मिलते हैं, बाकी दो एप्लीकेशन के जितना आपको इसके अंदर फ्रीडम देखने के लिए नहीं मिलता है, बट हाँ आप इसके अंदर अच्छी खासी एडिटिंग कर पाओगे अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है ज़्यादा, आप बेसिक लेवल पर अगर एडिट करना चाहते हो एंड हाँ इसके अंदर बेसिक लेवल का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर अच्छे प्रीसेट नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कमाल के प्रीसेट है, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आपको पता ही है दूसरा वे थर्ड पार्टी मॉड यूज़ कर सकते हो आप, बट हाँ मैं यही कहूँगा आप अपने रिस्क पे करना क्योंकि मॉड को यूज़ करना मतलब थोड़ा बहुत रिस्की होता है तो किसी अच्छी साइट से ही डाउनलोड करना। तो आते हैं मेन एप्लीकेशन की तरफ। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में बेसिक का ऑप्शन देखने मिलता है, तो इसके अंदर आपको सारे कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ये सारे ऑप्शन देखने भी मिलते हैं, आप अपने वीडियोज़ के अंदर कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो एंड काफ़ी सारे ऑप्शन देखने भी मिलते हैं नीचे साइड में। एंड सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है लट्स का, तो लट्स का मतलब होता है प्रीसेट, जैसे आप लाइटरूम के अंदर आपको प्रीसेट होता है उसी तरीके से वीडियोस के अंदर लट्स होता है, तो इसके अंदर आपको लट्स के अंदर एक एक लट के अंदर काफ़ी सारे प्रीसेट देखने को मिलते हैं, आप जो चाहो उसे यूज़ कर सकते हो एंड कुछ प्रीसेट इसके अंदर के यूज़ करने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया आपको पे करना पड़ता है, एंड अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं नहीं आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो तो गूगल पे काफ़ी सारे अलर्ट्स अवेलेबल है जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो एंड इस एप्लीकेशन के अंदर उसे अप्लाई कर सकते हो। हाँ इसके अंदर अगर आप कोई और बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो कैसे करना है उसके लिए आपको यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप देख के उस सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो एंड आप जो जैसी आपकी फुटेज है उस तरीके से आपको एडिट कर सकते हो, तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है इनशॉट। काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, पर्सनली मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं काइंड मास्टर यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इनशॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जिसके काफ़ी कमाल की कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो। जैसे अगर आप इसके एडजस्ट के ऑप्शन में जाते हो देन आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स का, इसके अंदर इतने सारे फिल्टर्स हैं एंड इतने ऑसम फिल्टर्स हैं जिन्हें आप जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे आप जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो एंड काफ़ी कमाल के। पर्सनली मैंने जब इसने सब पर से पहली बार यूज़ किया तब मुझे लगा मुझे एडजस्ट वाली जो ऑप्शन है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमें देखने को मिलता है एडजस्ट का, एडजस्ट के अंदर एक नया फीचर है HSL वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो देन आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। जी हाँ ये सेम फीचर आपको लाइटरूम के अंदर देखने के लिए मिलता है, इस ऑप्शन से आप किसी भी एक कलर को पिक कर सकते हो पर्सनली एंड उसके अंदर आप ल्यूमिनस एंड सैचुरेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस वगैरह आप भी बढ़ा सकते हो उसका स्पेसिफिक कोई भी कलर को चूज़ करके, तो एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने मिलता है, आप अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो इस ऑप्शन को यूज़ करके। एक बार जरूर ऑप्शन को यूज़ करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये ऑप्शन, एंड अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसे कलर ग्रेड कर सकते हो ग्रे के अंदर, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, बात करते हैं हमारी थर्ड फाइनल एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन मेरी पर्सनली फेवरेट है, इसके अंदर आपको जो ऑप्शन चाहिए वो सारे आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो देन आपको सामने की तरफ कुछ प्रीसेट देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे प्रीसेट इसके अंदर के उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, बट कुछ जो प्रीसेट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलते हैं जिसे आपको डाउनलोड करना है एंड आप उसे अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर का लेयर का ऑप्शन आपको देखने मिलता है जिसके अंदर आप लेयर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे ग्रेन्स हो गया हैप वगैरह सब काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं, उन सबको आप ऐड कर सकते हो बट उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, इसके अंदर अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी कमाल के ऑप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं तो अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर भी देते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगी। इसके अंदर फिर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने मिलता है जिसके अंदर वो HSL वाला ऑप्शन भी आपको देखने मिलता है
जो हमें पिछली वाली एप्लीकेशन में देखने मिला था। इसके अंदर भी आप जैसे आपको लाइटरूम के अंदर कलर ग्रेड करते हो, उसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर भी कलर ग्रेड कर पाओगे अपने हिसाब से। सैचुरेशन वाली वो सारी बेसिक चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। एंड मेन इसका जो ऑप्शन है वो है कर्व वाला। जो लोग फोटोज़ वगैरह एडिट करते हैं मीडियम लेवल पे, बहुत ज़्यादा बड़े एडिटर या फिर जो मीडियम लेवल पे भी करते हैं, उनको पता होगा कि कर्व कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आपको लास्ट ऑप्शन देखने मिलता है कर्व का। आपको उसके अंदर पूरा फ्रीडम है जिसके आप कर्व को अच्छी खासा यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको कर्व यूज़ करते आता है तो आप काफ़ी कमाल की वीडियो को एडिट कर पाओगे। एक बार इन तीनों एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा पसंद आई। एंड अगर आप चाहते हो इन सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ गया, तो आप नीचे वाले रेड सब्सक्राइब बटन को जैसे मैंने पिछली बार बताया कलर ग्रेड करके ग्रे कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा। एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।